दोस्तों, राजा नल की राजधानी में 12 वर्ष तक रहकर कलयुग और द्वापर इसी बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए, जबकि राजा नल धर्म के अनुसार प्रजा का पालन कर रहे थे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र और इंद्रसेना नामक कन्या का जन्म हुआ। 12 वर्ष के उपरांत एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही कलयुग दूसरा रूप धारण करके नल के भाई पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीत कर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की उस ललकार को सह ना सके। अतः उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा था, इसलिए राजा नल दांव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा, परंतु जब वे सभी ऐसा कर पाने में असफल रहे तो राज्य की प्रजा को साथ लेकर दमयंती की शरण में जा पहुँचे। दमयंती ने राजा नल से निवेदन किया, स्वामी, नगर की राजभक्त सभा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और देवढ़ी पर खड़े हैं, आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का प्रभाव होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोक ग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा नल बराबर हारते गए। राजा नल जुए में जो पासा फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते। सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला, तब उसने बृहत सेना नाम की धाई के द्वारा राजा नल के सारथी वाशरने को बुलवाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडिन नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, ना हो तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथानुसार बच्चों को कुंडिनपुर में पहुंचा दिया, रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए। फिर वहां से पैदल ही चलकर वह अयोध्या जा पहुंचा और वहीं राजा ऋतुपर्ण के पास सारथी का काम करने लगा। इधर पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे, परंतु तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने योग्य समझो तो फिर खेल हो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकल गए। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। पुष्कर ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक ना कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनके पंख से कुछ धन मिल जाएगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया, किंतु पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, ले अब हम तेरे शरीर पर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की यह बात आकर कही। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को, सामने विंध्याचल पर्वत है, यह पयोशनी नदी समुद्र में जाकर मिलती है, ये महर्षियों के आश्रम है, सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है, यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग
बताने लगे तो दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामी आप क्या सोच रहे हैं, मेरा शरीर फट रहा है, कलेजे में कांटे गड़ रहे हैं, आपका राज्य गया, धन गया, शरीर पर वस्त्र नहीं रहा, थके मांदे तथा भूखे प्यासे हैं, क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ, मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूँगी, दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है, वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है, यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सदा आपकी छाया बनकर आपके साथ ही रहूंगी।